के उसके पैसे भी नहीं थी। ये चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ, गुटखा खाती है लड़की। इसमें मैंने वैसे नाक की पूछी थी डायरेक्टली। मैम नहीं, मुझे मारना चाहता है। लोट जाओ। इसके तो मोटे मोटे कपड़े हैं। लालची लड़की, काला मुंह वाला बंदर। क्या है? अनियन। अंग्रेज लोग। मेरा तो आलू का पराठा है। मैं बनूंगा मोटा, योगी पतली, ओनियन खा के। चाय है कि पानी है? पानी ही है। चाय में ब्राउन कलर, मतलब पानी में ब्राउन कलर मिला दिया। खाना तो ये ठीक ठाक सा ही है। कल वाला मस्त था, क्योंकि उसके पैसे भी नहीं थे। पैसे दिए तो थे। किसके यहाँ खाए थे? कल हम ऑलरेडी फूड प्लाजा। नहीं, वहाँ पे तो दिए थे। वो जीएम वैन वाले, वो लोग मांगे ही नहीं पैसा। हाँ यार, जीएम वैन वाले पैसा क्या नहीं मांगे। हम लोग आ गए थे निकल के, उसके बाद में बेचारे फ़ोन कर रहे थे, झूठ बोलता है। तो हम लोग कैसे करते, उनसे पूछा गूगल पे के लिए, गूगल पे वाले दिए, हम लोग भूल गए थे देना, तो फ़ोन किए तो मांगा गूगल पे, तो कह रहे गूगल पे नहीं मैम। अपनी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है और ये नकाब पोश महिला भी। यार मेरा एक ही पूरे उसमें स्कार्फ है मेरे पास। तो नया स्कार्फ क्यों नहीं लेती हो? इसमें मैंने वैसे नाक भी पोछी थी। हाँ, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर और बड़ा मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? अरे यार, ये मतलब लड़की सुपारी खाती रहती है दिन रात। मीनाक्षी थी यहाँ पे, मीनाक्षी नहीं मिलती यहाँ पे, रोज मिलती है, रोज सुपारी, यही सब खाओ बस। मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आपको अच्छी सुपारी चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगी। सुपारी वाली नहीं, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, सुपारी वाली चीज़ें नहीं है। नहीं, सुपारी चाहिए होती है। ये चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ, गुटखा खाती है लड़की। मैं गुटखा नहीं है, सुपारी है, मीठी सुपारी बच्चों वाली। कहाँ लिखा है गुलाब सुपारी है, गुलाब की। तो इस गुलाब से बनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, और ड्राइव अच्छा करते हुए खानी चाहिए ताकि नींद नहीं आए। अच्छा, वही हो गया ना, गुटखा एक तो खाते हैं इसीलिए ड्राइवर्स। ये है भी वैसे, ये तो हींग जैसा लग रहा है। एक रुपए में बहुत कम आया है। ये तो एक डोज है, मतलब कि एक डोज है। गुटखा खाने वालों के लिए ऐसे ही होता है, एक डोज एक पुड़िया में आता है। ये देखो कैसे खाते हैं ये लोग। हेलमेट के साथ खाने में प्रॉब्लम है। काले मीठी सुपारी इन वादियों में। सुहाना सफर और ये गड्ढे हसीन। कितने सुंदर गड्ढे है ना, इसीलिए लौट जाओ। लेकिन इस रास्ते के लिए स्कूटी देने वाले की भी डेयरिंग चाहिए। और चलाने वाले की भी, और वो भी हमें देने की। गलती कर दी देखकर। घूमो बाइक, सुने समझे और विचार करें। ये लड़की यहाँ से कूदने चाह रही है। नीचे दो लोग पहुँचे कैसे, ये देखो सीढ़ियाँ है ना। ये डायरेक्ट भी जा सकती हो, डायरेक्ट भी जा। मम्मी मुझे मारना चाहता है। मम्मी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। मस्त पानी है ना, यहाँ से नीला आ रहा है। ये है धौली गंगा, और वो है, हाँ, और वो है अलकनंदा। धौली होना चाहिए, वो दूल्हे दूल्हे का लड़की है। ये तो नहीं, ये धौली है, धूली दूल्हा वो कलर है, साफ सुथरा है ना। वो मटमैली है। मंदिर कौन सा है? ये संगम है एक्चुअली दोनों का। नहीं, ये मंदिर भी तो है। हिल रहा है यार। हाँ तो हिलेगा तो है ही साला। गिर गए तो ना गिरोगी, बहुत सालों से ऐसे ही है, मतलब गिरोगी तो मरोगी। किसी दिन गिरेगा। देखता हूँ डिक्की में कुछ है अपने लाए। अरे वाह, भुजिया। और क्या है? ओह शिट, इसका पानी से कागज न भीग गया। ये नवरत्न, ये खाएं या ये खाएं? दोनों एक एक पैकेट। एक एक पैकेट, मैं देने वाला थोड़ी ना हूँ, मैं अपने लिए देखा। लालची लड़की, चाय चाहिए। चाय ना मिलेगी यहाँ पे, वैसे चाय नहीं मिल रही है। पानी पियो पानी। ये देखिए कैसे खाते हैं भुजिया, बालों में, मुंह में। बाल में कैसे गिर गई? ऐसे ही खाती है ये लड़की। लगा रहे तुम ना, बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन। लड़कियां तो लगाती भी हैं आजकल बाल में, पता नहीं क्या क्या। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और वो ये हो गई है कि हम लोगों ने गर्म कपड़े रखने भूल गए, और ऐसे ही आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आसपास में बर्फ़ है के पहाड़ है, इसके पीछे अभी दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे ही
चल रहे हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठंड नहीं हो नहीं तो कपड़े वपड़े लेने पड़ेंगे, ठिठुरते हुए जाएंगे। ठंडी लग रही है, इसके तो मोटे मोटे कपड़े हैं। हाँ और ये क्या चल रहा है फोन पे? वर्क फ्रॉम ट्रैवलिंग। तो अभी एक और नई चीज़ अपने पास आ गई है और ये रही कुलचे। और कुलचे नहीं, कुलचे नहीं, उन्होंने बोला कुलचे। हाँ तंदूरी के साथ ये, मतलब जो ये छोले हैं ये अंदर से, ये देखो ना, ये देखो ये स्टफ नान, स्टफ नान। ओके नहीं, उन्होंने बोला कुलचे, इसलिए देखता हूँ ये कैसा है। तो ये स्टफ कुलचा आज खा खा के पेट को फाड़ डालना है, गजब खा रहा हूँ। क्योंकि हमको बद्रीनाथ, हमको केदारनाथ में भूखा रहना पड़ा, वहाँ पे भी हमको खाना नहीं मिला। और यहाँ मिला वहाँ पे वो आलू का पराठा, दाल चावल, मैगी पराठा, चाय मैगी पराठा। हमारे पास गड़बड़ी खाली है। आज हमारे पास ब्लैक पिज्ज़ा है, आज हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम है, आज हमारे पास ये कुलचे हैं। ओवरऑल अब हम अमीर हो चुके हैं और हम दोनों के पास माँ है और बाप भी, भाई और बहन भी, बहन नहीं है उसके पास। नहीं लेकिन मेरे पास 2 रुपया है माँ लक्ष्मी जी का। अमीर लड़की हो गई है, पागल हो गई लड़की। पी ले पानी नहीं खास रही है अपने अपने में खास है ना, पड़ोसी के में तो खास रही, गर्म ज़्यादा दिख गया। पी। अरे बाप रे, मेरी वीडियो की पूरी वाट लगा देगा ये आदमी। पाप कुछ अलग गलत भी नहीं निकल सकता। चल जल्दी पी लो। हाँ चल, मेरे को टोपी मिली है बर्थडे की, मेरा बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू मी। खा लो। बर्थडे था ना। अच्छा खा भी गई पूरा एक बार में। तुझे भी लेकिन मुंह बंद है। नाक में चला गया मेरे रस, चीटी आ जाएगी, मीठी हो जाएगी नाक, चीटी आएगी नाक में से, इतना जो भरा रहता है मीठा हो जाएगा। अच्छा कैसा था रसगुल्ला? था मस्त लगा, पूरा खा लिया। टिश्यू पेपर से मेरे को रायता है और ये है सलाद है और ये राइस है और ये टोपी इसकी पापड़। इसमें हंसने की जगह जो सलाद इतनी देर सोच के बोल रहे हैं, हम लोग नहीं खाए थे ना, छोटे आदमी लोग हैं, छोटे आदमी लोग सलाद नहीं खाते हैं, मेरे दिन में 20 खीरा तो खा जाते हो। अच्छा ये टोपी मैं इधर रख दे रहा हूँ। और ये रही सबसे इंटरेस्टिंग रोटी, सरसों का साग और मांडू की रोटी, मंडुआ की रोटी दोनों बोलते हैं। ये आलू का गुटका, गुटका रजनीगंधा, विमल कमला पसंद बोलते हैं आलू का गुटका, गुटका नहीं बोलते हैं, आलू की सूखी सब्जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो सफर में ले जाई जाती है। इन लोग क्या लंगूर को बोला जाता है काला मुंह वाला बंदर। हाँ तो वो काले, इसमें क्या गलत है, काला मुंह नहीं होता है लंगूर। अरे लंगूर उसका नाम है। नहीं है उसका नाम, एक होता है काले मुंह का बंदर और एक लाल मुंह का बंदर होता है, लाल मुंह का बंदर और काला मुंह का बंदर। काला मुंह का बंदर तो ये है ना बंदर, ये वो तो अभी हो गया मेरा लाल।